स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो तो बताइए। सर हेलो। जस्ट अ मिनट। हाँ जी बताइए विपिन। सर ट्यूटोरियल सीट का क्वेश्चन 14 का फर्स्ट पार्ट बता देते सर। 14 का फर्स्ट पार्ट। यस सर। ये 5 वेरिएबल के मैप, यस सर। ये तो हमने क्लास में डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन तो हम क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी नहीं हो रहा क्या सॉल्व? कैसे सॉल्व नहीं कर पाए थे इसीलिए पूछ। क्यों नहीं सॉल्व कर पाए? जब मतलब अगर क्लास में आपने क्लास किया है जब ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है, क्योंकि हमें जहाँ तक लग रहा है कि आपने क्लास ही वो अटेम्प्ट नहीं की, अटेंड नहीं की है जिसमें हमने ये डिस्कस किया था। सर उस दिन शायद मैं प्रेजेंट नहीं था इसीलिए। इसका सलूशन तो आपके इसमें पड़ा हुआ है, हमने ये शीट शेयर की हुई है जो नोट्स इस समय आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसमें वो क्वेश्चन का सलूशन गिवन है। तो आप चाहें तो आप इसमें से सलूशन देख सकते हैं, नहीं तो अभी हम इसको सॉल्व भी करा देते हैं। ठीक है, ये शीट आप ओके सर, अपने, सल्यूशन देख लेंगे सर। नहीं सोल्यूशन तो देख ही लोगे, कोई बात नहीं। 5 वेरिएबल के एक एग्जांपल्स किए हैं कि अभी तक एक भी एग्जांपल नहीं किया? सर 4 वेरिएबल्स तक कर लेते हैं आराम से, लेकिन उसके बाद 5 वेरिएबल्स प्रॉब्लम होने लगती, नहीं कर पाते हैं सर। चलिए तो फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। नोट्स में सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अब अभी टाइम लगेगा सर्च करने में, तो उससे अच्छा हम यस इसको सर। कर लेते हैं। ठीक है सर। फाइव वेरिएबल के मैप सॉल्व करने के लिए हम लोग 4 वेरिएबल के 2 के मैप बनाते हैं। इस तरह से, क्योंकि 5 वेरिएबल में हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, तो ए वाले वेरिएबल को हम इस तरह से ए बार और ए ऊपर लिखते हैं। ये के मैप ए बार के लिए बिलोंग करता है एंड ये के मैप ए के लिए बिलोंग करता है। रेस्ट 4 वेरिएबल्स को बी सी और डी ई इस फॉर्म में दोनों के मैप्स में हम लिखते हैं। नंबरिंग जो करते हैं वो 4 वेरिएबल के मैप की तरह ही करते हैं। 0, 1, 2, 3, फिर 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन। आफ्टर दैट नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नंबरिंग का पैटर्न आप लोग ध्यान से देखिएगा कि नंबरिंग का पैटर्न किस तरह से करते हैं, यही पैटर्न हम लोगों को फॉलो करना होता है। एंड इसके बाद में फिर हम फिलिंग करते हैं। तो फिलिंग करने के लिए हम ट्यूटोरियल शीट से नंबर्स ले लेते हैं। जीरो टू फोर सिक्स तो जीरो टू फोर सिक्स नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन। सेवेंटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव सेवेंटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव ये फीलिंग जो है गिवन है क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग ग्रुप्स फॉर्म करेंगे एंड ग्रुप्स फॉर्म करते समय हम ये देखते हैं कि ये जो दोनों के मैप्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों के मैप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप पोजीशन पर है। और ओवरलैप पोजीशन का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में ये जो के मैप्स हैं इसका ये बॉक्स इस बॉक्स के जस्ट ऊपर होगा। ऐसे ही जितने भी करस्पॉन्डिंग बॉक्स हैं अगर सेकंड वाले की बात करेंगे तो ये 17 वाले के जस्ट बिलो होगा। इस तरह से हर एक ब्लॉक एक दूसरे ब्लॉक के एडजेसेंट है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों के मैप्स एक दूसरे के ऊपर या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट साइड बाई साइड रखे गए हैं। और ये साइड बाय साइड इस तरह से है कि दिस ब्लॉक इज एडजेसेंट टू दिस ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज एडजेसेंट टू दिस ब्लॉक, सिमिलरली ये ब्लॉक इसके एडजेसेंट है, लास्ट वाला इसके एडजेसेंट है एंड सो ऑन। जितने भी ब्लॉक्स हैं ये सभी ब्लॉक्स इस के मैप के एडजेसेंट होंगे। अब ये एडजेसेंट वाला फंडा जब एक बार हम लोगों को क्लियर हो गया तो उसके बाद हम लोग इसमें ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास में
मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस का ग्रुप कैसे फॉर्म हो सकता है। तो उसके लिए हम दोनों ही के मैप्स को सर्च करते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिविजुअली किसी ग्रुप को देखें तो इंडिविजुअली हमें यहाँ पर जो ग्रुप्स दिख रहे हैं उसमें चार का ग्रुप हमें यहाँ पर शो हो रहा है। लाइक जैसे अगर हम यहाँ पे ग्रुप बनाए तो ये चार का ग्रुप हमें दिख रहा है, इसके अलावा और कोई ग्रुप इतना बड़ा नहीं दिख रहा है। सिमिलरली चार का ही इधर ये इस तरह से भी बन रहा है ये चार का ग्रुप। तो चार के ग्रुप्स तो हमें दिख रहे हैं, यहाँ पर भी चार का ग्रुप दिख रहा है, लेकिन हम ये देखें कि हम क्या हमें आठ का ग्रुप भी दिखाई पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये जो क्वाड हमने यहाँ पर बनाया, ये क्वाड और ये क्वाड, ये दोनों क्वाड एक दूसरे के एडजेसेंट है, इसलिए ये दोनों क्वाड मिलकर के टोटल आठ का एक ग्रुप बनाएंगे। चार वन ये और चार वन ये चारों एडजेसेंट हैं, इसीलिए ये चार चार के दो ग्रुप ना होकर के टोटल आठ का एक ग्रुप होगा। और जब इस तरह से ये दोनों ग्रुप्स हमको, दोनों के मैप्स से हम ग्रुप बनाते हैं, तो हम जब इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं तो y इक्वल्स टू ये वाली रो और ये रो, ऐसे ही ये दोनों कॉलम्स हम देखते हैं। इन दोनों कॉलम्स में हमें क्या दिखेगा, हम यहाँ पर नंबरिंग लिख लेते हैं 00, 01, 10 एंड 11। सिमिलरली यहाँ पर भी लिख लेते हैं 00, 01, 10 एंड 10 होगा, ये 10 होगा एंड इन द सेम वे यहाँ पर भी 11 एंड 10। तो अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कॉमन वेरिएबल्स इन चारों के लिए क्या आ रहा है, चारों नहीं बल्कि आठों के लिए, यहाँ से आएगा b एंड यहाँ अपवर्ड डायरेक्शन से आएगा ई, तो बी ई वेरिएबल हो जाएगा इन आठ वंस के लिए, क्योंकि जो वेरिएबल्स यहाँ से कॉमन आ रहे हैं सेम वेरिएबल्स हमें यहाँ से भी मिलेंगे, बिकॉज सेम पॉइंट पर वंस हैं और सेम वेरिएबल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब इसके बाद में जो हम अगला ग्रुप देख रहे हैं, तो अगले ग्रुप में जैसे हमने ये चार का वन बना रखा है, इसके करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर ये जो एडजेसेंट सेल्स हैं, लाइक जैसे ये वाला सेल हो गया और ये वाले सेल्स हो गए, ये सेल्स एम्प्टी हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर यही चार का फॉर्मेशन होगा, इसके मैप में कुछ भी हमें कॉमन नहीं दिख रहा है। तो अब इन चारों का जब हम टर्म लिखेंगे तो हम कौन कौन सी रोज देखेंगे, फर्स्ट टू रोज एंड फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। तो फर्स्ट टू रोज में से अगर देखेंगे तो हमें वेरिएबल क्या मिलेगा कॉमन, बी बार, एंड कॉलम से क्या वेरिएबल कॉमन मिल रहा है, ई बार। ठीक है, बट क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ इसी के मैप में से, इसी के मैप में ग्रुपिंग की है, इस के मैप का यूज नहीं किया है ग्रुपिंग के लिए, इसलिए इस के मैप के लिए ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा कॉमन रहेगा, तो हम यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, बस यही चीज ध्यान देने वाली है, बाकी सब चीजें सेम प्रीवियस के जैसे ही हैं, कि अगर सिर्फ इसके मैप में हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और टर्म लिख रहे हैं तो ए बार उसमें लिखा जाएगा। ये वाला ग्रुप दोनों के मैप को यूज करके फॉर्म किया गया था, इसीलिए इस के मैप में ए और ए बार का टर्म नहीं है, बट क्योंकि सेकंड ग्रुप जो हमने ये वाला ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में सिर्फ इसी के मैप का यूज हो रहा है, तो इस के मैप में जितने भी टर्म्स लिखे जाएंगे उनमें ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन रहेगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ लिख लिया। सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे ही नेक्स्ट हमको जो दिख रहा है यहाँ पर दो वन, ये दोनों वन हमें खाली दिख रहे हैं, तो इन दोनों वन के लिए भी हम ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो इन दोनों का देखिए दो का भी फॉर्म हो रहा है, बट क्योंकि हमें मैक्सिमम वंस को पेयर करना होता है तो हम इसलिए यहाँ पर दो का ग्रुप ना बना करके हम यहाँ पर जो ग्रुप बनाएंगे वो ग्रुप इस तरह से चार वन का बनेगा, इस तरह से, तो चार का ग्रुप बनाएंगे। और जब हम चार का ग्रुप बना लेंगे तो यहाँ पर वेरिएबल किस तरह से लिखेंगे, इस कॉलम में जो कॉमन वेरिएबल्स होंगे, क्योंकि रो से तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, बिकॉज जो वन है वो चारों रोज को कवर कर रहे हैं,
तो रो से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कॉलम से अगर हम देखेंगे तो डी बार ई कॉमन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे, डी बार ई वेरिएबल यहाँ पर कॉमन आ रहा है। बट क्योंकि ये वाला भी ग्रुप सिर्फ इसी के मैप में डिजाइन किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर इस ए वेरिएबल को साथ में लिखेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर फाइव वेरिएबल में। अब इसके बाद कोई भी वन ऐसा नहीं बचा है जिस वन का यहाँ पर ग्रुपिंग रह गया। ऐसे ही दो तीन क्वेश्चंस और अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे के मैप के फाइव वेरिएबल के, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा फाइव वेरिएबल के मैप भी करना। विपिन कुछ समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया, मेरा आंसर गलत आ रहा था ना, इसीलिए सर पूछा। ठीक, अब तो क्लियर हो गया आंसर। यस सर, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करिए। यस, और एक क्वेश्चन हमने बहुत स्टार्टिंग में लिखा था, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगर कुछ लोगों ने कर लिया हो तो बताइए, नहीं किया है तो इसको करिए। इस क्वेश्चन का हमें सिंप्लीफाइड आंसर दीजिए और इसको के मैप के थ्रू सॉल्व करिए। 1, 3, 5 ये तीन टर्म्स गिवन है। सबसे पहली चीज़ तो ये आइडेंटिफाई करिए कि कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा। बताइए कितने वेरिएबल का के मैप बना रहे हैं इसमें आप लोग। सर फोर फोर बॉक्स वाला बनेगा सर इसमें। फोर बॉक्स वाला, चलिए आंसर बताइए करके। नो सर, नो सर, क्योंकि इसमें सर फाइव है ना सर, देखा नहीं था मैंने सर। चलो अच्छी बात है, समय रहते देख लिया। सर ए बार बी प्लस सी बार बी बी ए बार बी बी प्लस सी सी बार बी सी बार बी सी बार। चलिए और देख लेते हैं और किसी का क्या आंसर आ रहा है।
सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। सर ए बार बी बार प्लस सी बार डी, इस वाले का आ रहा है। ए बार बी और सर ए बार बी बार प्ल... नहीं सर एक मिनट, ए बार बी बार प्लस सी बार डी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो भाई? ये फर्स्ट वाला ही कर रहे हो ना? यस सर, 1,3,5 वाला। तो चार वेरिएबल को क्यों सॉल्व कर रहे हो? सर ए बार बी बार सी। ए बार बी बार सी सर। सर मेरा भी ए बार बी बार सी आ रहा है। ए बार बी बार और सी। यस सर। बस एक ही टर्म आ रहा है सर, ड्यूप्लेक्स बनेगा ना बस, तो और जो एक नहीं, शायद दो ड्यूप्लेक्स बनेंगे। शायद वाली कौन सी बात है भाई इसमें? सर सर दो ड्यूप्लेक्स बनेंगे सर, 1,3 का बनेगा, एक 1,5 वाला बनेगा। तो अगर दो बन रहे हैं तो फिर टर्म एक तो नहीं आना चाहिए, दो ही आने चाहिए। ए बार बी प्लस बी सी बार। ए बार बी प्लस बी सी बार, ठीक है, सेम आंसर हमने एक यहां पर लिख रखा है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वन एंड फाइव, हाँ तो फिर सही बात है, यहाँ पर एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा, दो ग्रुप्स बन जाएंगे। सॉरी ए बी सी छूट गया, यहाँ पे ये हो गया 0,0, 0,1, 1,1 एंड 1,0। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से आया, अगर हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इस ग्रुप के लिए क्या आएगा, ए बार आएगा एंड ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, सी। और सेकंड ग्रुप के लिए अगर लिखेंगे तो इट काउंट्स बी बार एंड सी। आंसर तो ये आना चाहिए, ए बार सी। सर आपकी स्क्रीन सर विजिबल नहीं हो रही सर। सर आपकी स्क्रीन में कुछ भी नहीं मतलब लिख रहा है। ये सर आप दिख रहा है? यस सर। ठीक ठीक सॉरी, वो पॉज हो गई थी। ए बार सी एंड बी बार सी। ये आंसर जिन लोगों ने दिया वो लोग जरा क्रॉस चेक करिए, स्वाति आप भी जरा चेक करिए क्या आंसर यही आ रहा है। 0, 1, 2, 3। सर आप जिधर बी सी लिए हैं हम लोग ए बी लिए उधर, और ए जहाँ लिए वहां सी लिए हम लोग। यस सर। तो उस केस में नंबरिंग चेंज हो जाएगी। सर सर स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, एक बार सर प्लीज सर एक बार फिर से बता दीजिए सर। क्या हो गया सर? स्क्रीन फ्रीज हो गई सर, दोबारा रिजॉइन किया सर, देख नहीं पाया सर, एक बार सर फिर से सर जल्दी से बता दीजिए सर। स्क्रीन अभी भी दिख रही होगी आपको?
हाँ सर अब दिख रही है सर, लेकिन सर जब तक रिजॉइन के साथ आपने बता दिया था सर, एक बार सर रिपीट कर दीजिए बस। देखिए ए बी सी हम इस तरह से लिखेंगे, वन पे फिल किया वन, थ्री पे फिल किया और फाइव पे फिल किया, तो ग्रुप्स तो हमारे पास में इस तरह से दो बन जाएंगे, ठीक है। और के मैप जब भी सॉल्व करिए, के मैप में वेरिएबल्स लिखने का एक ही तरीका रखिए, जैसे हमने जो बनाया हुआ है इस ए बी सी पैटर्न पे, जो नंबरिंग होगी वो इसी तरह से होगी जैसे इस समय शो हो रही है आप लोगों को। अगर जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, अगर उस तरह से हम लोग, आप लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में दे दीजिएगा, अगर हम उस तरह से लिखते हैं जैसे कि आप लोग कह रहे हैं, तो उस केस में नंबरिंग चेंज हो जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि आप लोग ए बी को यहाँ पर लिख रहे हैं एंड सी को यहाँ पर लिख रहे हैं, तो इस केस में 0100, 0111 एंड 10। नंबरिंग कैसे करेंगे इस केस में? इसमें आएगा 000, ठीक। इसमें आएगा 010, पहले ए बी की वैल्यू फिर सी की वैल्यू, 110, 100। ऐसे यहां पर आएगा 001, 011, 111 एंड 101। अब इस केस में जब हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग क्या होगी? यहाँ पर जीरो होगा, ये वन होगा, ये टू होगा, ये थ्री होगा, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, ठीक। और जो हम फिलिंग करेंगे, फिलिंग करेंगे तो फिलिंग हम कैसे करेंगे? ग्रीन कलर 135, यानी एक वन हमारे पास में होगा इस पर, एक वन यहाँ पर होगा और एक वन यहाँ पर होगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने अभी करके ये वाला आंसर दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग आप करेंगे, अगर वेरिएबल्स आप चेंज करेंगे तो नंबरिंग अपने आप चेंज हो जाएगी वेरिएबल्स की पोजीशन चेंज होने से। अब एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये और ये बनेगा, ठीक। इसीलिए हमने कहा था कि कभी भी के मैप सॉल्व करिए तो एक तरह का कोई भी प्रोसीजर याद कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? दो लोगों ने ये वाला आंसर दिया था, स्वाति एंड एक लोगों का नाम हम देख नहीं पाए, तो आप लोग जो है ये जो भी मतलब मेथड है उस मेथड को ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि वेरिएबल्स को अगर आपने उनकी पोजीशन थोड़ा भी इंटरचेंज कर दिया तो उसकी वजह से नंबरिंग चेंज हो जाएगी और आप के मैप गलत फिल कर देंगे। तो जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आंसर ये बनेगा। अब आप चाहे दोनों मेथड से, चाहे आप इस वाले से भी करिए वेरिएबल्स चेंज करके, तब भी हो जाएगा, ठीक है। सर, सिक्स वेरिएबल में नंबरिंग का क्या सिस्टम होता है? उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन है। सिक्स वेरिएबल में, ठीक, अभी शो कर देते हैं सिक्स वेरिएबल का भी आप लोगों को। सिक्स वेरिएबल का हम डायरेक्ट एग्जांपल शो कर दे रहे हैं क्योंकि बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हम आप लोगों को वो जो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एग्जांपल आप लोगों को शेयर कर देते हैं। ये देखिए, ये नंबरिंग है सिक्स वेरिएबल की, ठीक। सिक्स वेरिएबल के मैप जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं तो लास्ट के चारों वेरिएबल्स को इस तरह से लिखेंगे, सी डी ई एफ, ठीक। चार के मैप ड्रॉ कर लिए, चार चार वेरिएबल्स के, और ए बी को ए बार बी बार यहाँ लिखा, ए बार बी यहाँ लिखा, ए बी बार ये लिखा और ए बी इस तरह से हम वेरिएबल्स को लिखते हैं। और जो नंबरिंग करते हैं वो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट वाले के मैप से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 अप टू 15 ये हो जाएगा। 16 से इसमें स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ए बार बी लिखेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जिसमें हम ए बार बी लिखेंगे नंबरिंग उसमें सेकेंड आएगा। थर्ड वाली जो नंबरिंग होगी हमारी, ये 31 यहाँ कंप्लीट होगा, 32 से हम यहाँ स्टार्ट करेंगे जिसमें ए बी बार है, और ये वाला जाएगा आपका 47 तक, और 48 से स्टार्ट होगा लास्ट में जिसमें हम ए बी लिखेंगे।
ये नंबरिंग सिस्टम हम लोगों को फॉलो करना है, और सारे के मैप्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर ये वन और ये वन है तो ये दो का ग्रुप बनेगा, एक एक का नहीं बनेगा। वन यहाँ पर भी है लेकिन तीन का हम नहीं बना सकते। अगर यहीं पर एक चौथा वन यहाँ पर भी होता तो हम चार का बना देते, बट ऐसा नहीं है तो दो का ग्रुप बना हुआ है। इसी तरह से हम लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए, ये वाला जो दो का बना हुआ है, ये दो वन का है ग्रुप और ये दो वन है, इन दोनों वन को मिला करके टोटल चार का ग्रुप बनेगा। और जब हम इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये रो और ये रो देखेंगे और ये कॉलम देखेंगे, ठीक। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम लोग, सी ई बार एफ ये लिख देंगे हम इस के मैप से देख के। साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि अगर हम ये दो के मैप यूज़ कर रहे हैं तो इन दोनों के मैप में जो ऊपर का वेरिएबल लिखा है, इस ऊपर के वेरिएबल में क्या टर्म कॉमन है। ए बार कॉमन है तो ए बार भी यहाँ पर लिखा जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमें ग्रुपिंग करनी है और चारों के मैप्स को एक साथ देखना होगा और एक साथ उनके साथ में ग्रुप करना होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, इसको एक साथ भी बना सकते हैं, मतलब चारों को मतलब एक बॉक्स में बना सकते हैं? नहीं सर, वो गलत हो जाएगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं, चारों को मतलब किन चारों को एक साथ? मतलब तीन वेरिएबल इस साइड, मतलब एक ही बॉक्स में मतलब चारों का एलिमेंट्स रहे। अच्छा, ये चार वन की बात कर रहे हैं, दो वन ये और दो वन ये? जी सर। हाँ बना सकते हैं, लेकिन पता है दिक्कत क्या आएगी, इसमें नहीं बना सकते। जैसे फोर वेरिएबल का आप लोग सॉल्व करते हैं तो आप जैसे चार का अलग से बना करके उसका एक्सप्रेशन लिख करके दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये दो वन और ये दो वन, इन दोनों को आप क्वाड की तरह अगर ऐसे दिखाएंगे तो इसके ऊपर वेरिएबल क्या लिखेंगे इसकी समस्या आएगी आप लोगों को, क्योंकि ऊपर तो इसमें सिर्फ ये वाला टर्म आएगा, एक ही टर्म दोनों में। आप बात समझ रहे हैं ना हमारे हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि ऊपर हमें यहाँ पर भी टर्म्स शो करने होंगे, यहाँ पर भी टर्म्स शो करने होंगे, तो वो आप दोनों जगह पर नहीं शो कर पाएंगे टर्म्स, क्योंकि ऊपर का टर्म एक ही दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है। फोर वेरिएबल वाले में कर सकते हैं, थ्री वेरिएबल में कर सकते हैं, लेकिन फाइव और सिक्स में करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी कि आप अलग से उसको ड्रॉ करके अलग से ग्रुप नहीं दिखा सकते। ऑफलाइन क्लास होती तो हम आपको उसी मेथड से करना बताते, क्योंकि क्या है ना कि यहाँ पर लैपटॉप पे बोर्ड पर ड्रॉ करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इस तरह से के मैप बता रहे हैं। अदरवाइज तो हम आप लोगों को बोर्ड पर बताते तो उसी तरह से बताते। आप लोगों को अगर सैटरडे टाइम मिले तो जो लोग आना चाहें वो लोग आ जाइएगा, आप लोगों को हम बोर्ड पर भी सॉल्व करके